चलना पड़ रहा बर्फ पर। हर हर महादेव दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं तुंगनाथ ट्रैक 2 की। पहले ट्रैक में हमारे साथ हमारे एक दोस्त था, उसकी तबीयत खराब हो गई और उसको फिर हम नीचे छोड़कर आए। उसके बाद फिर से हमने यह यात्रा अपनी शुरू करी है। आइए हम दिखाते हैं आपको ऊपर का नजारा। और ये जो साइड में फोटो देख रहे हैं, ये हमारा वो दोस्त है, इसको ऊपर जाने से चक्कर आने लगे, उल्टी आने लगी, तो इस दोस्त को हम नीचे छोड़कर आए हैं। तब हमने अपनी ये यात्रा फिर से शुरू करी है। आइए दिखाते हैं हम आपको आगे का नज़ारा। हर हर महादेव। तो बस हम पहुंचने वाले हैं तुंगनाथ के लिए और जाम चल रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल बर्फ है और बर्फ ऐसे है जैसे नमक नमक पूरा पड़ा हो। और जहाँ कर हम चल रहे हैं ये शॉर्ट रास्ता है। इन नज़ारों को देखने के लिए मेहनत तो होती है, मगर जब हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे तो सारी थकावट हमारी दूर हो जाएगी। दोस्तों इस दुकान से हमने लिए एक पानी की बोतल 50 रुपए की। आपके लिए बोल दो, इससे ऊपर कुछ भी नहीं मिलेगा अभी। इससे ऊपर आप ऊपर सब बंद है, यहाँ पानी चाहे कबाड़ बंद है, सब मिलेगा। जब कबाड़ खुलेंगे तो सब जगह मिलेगा आपको, अभी ऑक्सीजन है। ये जितने भाई हैं सब तुंगनाथ का दर्शन करके आ रहे हैं मंदिर के। ये देखिए सब ठीक, और हम भी पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पर चश्मा लेकर जरूर आए, क्योंकि बर्फ पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो आंखों पर रिफ्लेक्सिंग होती है। दोस्तों हम पहुंचने ही वाले हैं और वो सामने छोटी सामने ऊपर जो दिखाई दे रही है आपको वही है चंद्रशिला। और चंद्रशिला के जस्ट नीचे जो आपको मंदिर छोटा सा दिख रहा है, ये लो, वो है तुंगनाथ मंदिर। कितना बेहतरीन नज़ारे हैं यहाँ के। और यहाँ बोर्ड पे जो लिखा हुआ है ना, इसका पालन जरूर करें। प्रकृति का आनंद लें, प्रकृति को सौम्य रखें, स्वच्छ सुंदर रखने में सहयोग करें। मैं बहुत से लोग यहाँ पर बोतल, ये आप देख रहे होंगे, ये गंदगी फैलाते हैं लोग, यहाँ पर बोतलें लाते हैं पानी की, उन्हें छोड़ जाते हैं यहाँ पर, जो कि बहुत गलत है। ये भी शायद YouTube वीडियो बनाते हैं। सफेद घर जैसा है जो वो तुंगनाथ है क्या? कहाँ गए? और यहाँ पर जब जूते लेकर आए तो ग्रिप वाले जूते लेकर आए ताकि फिसले ना। हम तो चले आए हैं ऐसे सिंपल जूतों से, जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक है। दोस्तों हम भी इसी रास्ते कर आए हैं, बहुत डेंजर रास्ता है ये, अगर हम में से कोई भी रिपट जाए तो सीधा नीचे खाई में जा पड़ेगा। और ये सीधा रास्ता तुंगनाथ के लिए, जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं वो देखिए। और उस मंदिर से ऊपर है चंद्रशिला, जो सबसे ऊंची ऊंची चोटी है। ये विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है, टेंपल भोलेनाथ का तुंगनाथ।
दोस्तों बस पहुंचने ही वाले हैं तुंगनाथ मंदिर के लिए, वो सामने ही है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं तुंगनाथ मंदिर पर, मगर कपाट अभी इसके बंद है। चलो आप हमारी वीडियो में ऐड हो गए। यहाँ बहुत ही संभल के चलना पड़ता है बर्फ पर। ये देखिए सामने है मंदिर बाबा भोलेनाथ का। थक चुके हो हैं? बहुत थक चुके हैं। हाँ, बहुत हाइट पर है तुंगनाथ और विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है ये तुंगनाथ भोले बाबा का। मगर कपाट अभी बंद है। बस यहाँ नेचर इस वक्त यहाँ पर और ही भाई बैठे हुए हैं सस्ताते हुए। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है यहाँ पर। और आइए अब आपसे मिलते हैं हम टॉप पर। ये भक्त लोग जाते हुए आज मेरा सपना पूरा हुआ तुंगनाथ यात्रा का, जो हम देखा करते थे। हाँ जी, ये है मिनी स्विट्जरलैंड तुंगनाथ। तो दोस्तों हम तुंगनाथ मंदिर पहुँच चुके हैं और आप ये देख रहे हैं यहाँ का सुंदर नज़ारा। तो भाई यात्रा कैसी रही आपकी? बहुत फिसलन थी। अच्छे जूते लेके आइएगा। हाँ ऐसे हाँ, यहाँ पर पानी की बोतल ये सब चीज़ चाहिए, सब लेके आइएगा। हाँ सब लेके आइएगा, यहाँ पे फेंकिएगा नहीं। हाँ बहुत सारे क्या गंदी करते हैं यहाँ पर आकर, ये चिन्ना होनी चाहिए। और आइए मैं दर्शन कराता हूँ मंदिर के सामने है। ये सामने ही है तुंगनाथ मंदिर, इसी मंदिर के दर्शन कराएंगे। अभी कपाट बंद है। अनिकेत सब पूछे तो हम अब नहीं ना तो तुम हां एक घंटा और सब कुछ ही तो वहां मिलेगा हकीकत में। हां अरे साउंड है, ये प्रॉब्लम एनर्जी में भाई पहन आई है मुना लाल पूरा दी खालस बर्फीली हवा चल रही है अनिकेत, तो मेरे सिर में दर्द बन रहा है सर। समेत किसने कर लिए? तूने कर रखी है क्या मंदिर की? दर्शन आते हुए मुंह रुका था ना, मंदिर की करी है ना तूने? जो आ रहा है बैठ जा, बैठ जा उसको, रख पूरी चूसी बैठ जा। चल 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 पूरा चाहिए मंदिर ना, पूरा चाहिए। और कुछ आओ आइए दोस्तों हम लोग हाथ लगवाते हैं आपको तुंगनाथ मंदिर की परिक्रमा। यहाँ लिखा हुआ उद्धव कुंड। चलो भाई
हमें चलना पड़ रहा बर्फ पर। यहाँ पर एक और ये पीछे का हिस्सा मंदिर का, और हमने परिक्रमा पूरी हो चुकी है। दोस्तों हमारा ये प्यारा सा ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही खूबसूरत ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे मेरे इस चैनल पर। दोस्तों हमने अपने सफ़र की शुरू की थी चौपता से तुंगनाथ यात्रा, और फुल हमने आपको दिखाए यहाँ का ब्यूटीफुल। और इस वक्त मंदिर बंद है, और जब ये मंदिर खुलता है ये अप्रैल में खुलता है, अक्टूबर तक, और ये नवंबर दिसंबर में ये बंद होता है मंदिर। आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।